मैम गुड इवनिंग, नमस्कार। थैंक तस्मै श्री गुरवे नमः। यू सो मच. मैम, देर आर सेवन पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ देम। फ्यू ऑफ देम वेर द पार्ट ऑफ द वर्कशॉप टुडे एंड फॉर्चुनेटली वी हैव अवर गुरु माँ हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, डॉक्टर जयश्री ओम, एंड शी इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू पितृतर्पण, right? And Yes. all we all are fortunate enough to have it from the mother goddess's mouth. In fact, over to Definitely. you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you, Sunil ji. क्या करें अभी? I don't know how to unmute them. I mean, will you be able to hear? Shall I unmute them? Yes, all Just of a bit, them, ma'am. so they can raise their hand. Yeah, And sure. also to, I would like to see the, videos also. I mean, if people are in, so that it's easier for me to connect with their Correct. end. Yeah. So I have made all participants so that they can make unmute. Yes. Dear all, you can make yourself unmute on your own so that you know. Yes, Bhavan ji is already done that. Maulik ji, you can unmute yourself. Parul ji, you can unmute yourself. Santosh ji, Simran ji, you also can unmute yourself, please. नमस्ते मौलिक जी. नमस्ते भवन. हेलो मैम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हाउ यस, सी यू बैक एज इन. या यस, यू? या सुनील जी, आप खाना खा लेते ना. यू यू हैड अ वेरी लॉन्ग सेशन टुडे, 5 आवर्स ऑलमोस्ट. या एक्चुअली एक्चुअली अरे बाप रे, इट्स अ 3 आवर सेशन नंदा. Yeah, it's a 3 hour session, Nanda. That's right. But then, there were a lot of discussions and questions and answers. So it extended. It got extended. You had to speak for like continuous 5 hours. Yeah, Sir, actually, unfortunately, everybody heard me. That was the were biggest very patient thing. enough to answer each and every queries of us, so we are very thankful to that. Yes, I'm also thankful to Sunil ji. He's so patient. So, okay, we'll continue, Maulik ji. What is it that you want to know more about Pitru So ma'am, in our house, so today I got one clearance from sir that we are from Gujarati Brahmin family. So we used to do diya and all Pitru Puja basically near the Paniara, what we call, where we Paksha? place our matka. So sir, today clear that that is basically for Varun Dev and not for Pitrus. So is there any proper place where we can keep our Pitru's photo and do their puja? In case if Southwest is not available, because we are not supposed to compartmentalize our homes. In Mumbai, basically, we have 1 BHK flats where we have hall, kitchen, and bedroom. तो अगर पूरे घर का साउथवेस्ट लू तो मेरा बेडरूम में चले जाएगा और बेडरूम में हम ये सब रख नहीं सकते हैं। तो क्या हम हॉल का साउथवेस्ट पकड़ के वहां पे पितरूस के फोटो रख के उनकी पूजा कर सकते हैं और हाउ इट इज? सो से फर्स्ट ऑफ ऑल, वास्तु में पितरों की फोटो रखते नहीं है, है ना? जस्ट इन केस आपको अपना करेक्ट ट्रेडिशनल फॉलो करना है, सो करेक्ट यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. एंड पितरूस की फोटो फिर आप, है ना, बेडरूम घर का साउथ वेस्ट नहीं देखेंगे, आप अपने लिविंग रूम का साउथ वेस्ट देखेंगे. ओके सो लिविंग रूम एक पदविन्यास हो गया, और लिविंग रूम में आप सेंटर पे खड़े हो जाएंगे और वहां से 225 डिग्री देखेंगे. जहाँ 225 डिग्री आ रहा है वही फोटोज होगा. ओके कूल कूल कूल। और मैम, अमावस्या और पितरों के साथ कुछ तो कनेक्शन है, राइट? कैन यू प्लीज इलाबरेट मोर ऑन व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अमावस्या, क्योंकि यूजुअली दे से व्हेन वी गो टू एस्ट्रोलॉजर के अमावस्या के दिन तुम खीर खिला दो, इट विल रीच टू पितरूज एंड ऑल। सो इज देयर एनी कनेक्टिविटी इन वास्तु ऑल्सो और दिस आर ऑल मिथ्स? नहीं, मिथ तो नहीं है, बिल्कुल भी मिथ नहीं है. देखिए क्या होता है ना, कि जैसे रियल्म्स हैं, से 7 रियल्म्स बताए हैं, तो जैसे पितृलोक सबसे सबसे ना नीचे का लोक है. तो क्योंकि अब वो सबसे नीचे का लोक है, तो क्या होता है कि वहाँ की एनर्जी, क्योंकि वो अर्थ के अपने मानते हैं कि वो एकदम पास में है, तो उसकी एनर्जी अपने से थोड़ा पहुंचने में इजी होता है. तो
तो क्या होता है ना, अमावस ऐसी ऐसा टाइम है कि मतलब उसमें जैसे मून की एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, तो ऐसे टाइम में ना फिर पितृ लोग को ऐसे, ठीक है पितर अपने मानते हैं, वहां पितर हैं, बट मतलब जिनको उतना ज्यादा शांति नहीं मिली है वो ही जनरली उस रियल में जाते हैं। तो वो अमावस के टाइम में फिर जो लोएस्ट रियल्स होते हैं ना, तो उनको भी जैसे वो मिल जाता है, मतलब इजी टू कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए अमावस लेते हैं। जैसे पूर्णिमा में देवताओं की बड़ी पूजा करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो हाईएस्ट रियल में है, और माइंड जब पूर्णिमा में होता है तो फुल ब्लूम में रहता है, तो ओके इसीलिए इसीलिए अपने वो करते हैं कि पितर को अपने अमावस में पूजा करते हैं, क्योंकि इजी टू रीच देम। ओके। और डेली मैम कुछ करना चाहिए पितृ देव के लिए, या कैसे? यूजुअली देयर इज अ सेइंग कि साउथ वेस्ट में दीप जला दो एटलीस्ट पितृ पक्ष के 15 दिन, साउथ वेस्ट कॉर्नर जो आपका खिड़की जो बाहर रहेगा, प्रेमाइस या टेरेस अगर रहेगा वहां पे दीप जला दो, तो इट हेल्प्स फॉर देम टू। डेली का तो पॉसिबल नहीं है, डेली नहीं करना चाहिए एज पर वास्तु, ओके क्योंकि साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट राहु एनर्जी भी है, ओके हाँ तो राहु को हम डेली चार्ज नहीं करेंगे, तो डेली तो नहीं, महीने का जैसे अमावस में, महीने में जो दो अमावस आते हैं ना, स्पेशली जो कृष्ण पक्ष की वाली आती है, उसी में ही करते हैं, उसमें बाकी में नहीं करते हैं ओके। वास्तु। और साउथ वेस्ट अगर अवेलेबल ना हो यूज करने के लिए, जैसे वहां पे कुछ बाथरूम आ गया या समथिंग लाइक दैट, वेर वी डोंट हैव अ विंडो और ओपन प्लेस टू डू एनीथिंग, सो इज देयर एनी अदर डायरेक्शन रिकमेंडेड इन वास्तु वेर वी कैन डू दिस ऑल एटलीस्ट विद इन ऑन अमावस्या और ड्यूरिंग पितृपक्ष? फिर एंट्रेंस के बाहर करते हैं। एंट्रेंस के बाहर चल जाता है? ओके ठीक है मैम, थैंक ठीक है, थैंक यू। यू। आप भवन जी, आप समवन कैन रेज द हैंड। मैडम ये मुझे जो पूछना था वो मौलिक जी ने पूछ लिया। मुझे वही पूछना था कि ये रिचुअल्स रोज करना चाहिए अमावस को, करना चाहिए कि वर्ष में एक बार करना चाहिए जब पितृपक्ष आता है तब? वही, और घर के बाहर बोल रहे हैं तो आप घर के बाहर दरवाजे के बाहर दिया जलाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, अच्छा सामने। एक्चुअली वास्तु में पितरों का हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छा हम बाकी के देवताओं को देते हैं। पितरों राहु एनर्जी होने की वजह से हम चाहते हैं कि वो अपने माइंड को ना ज्यादा डिजायर्स की तरफ ना ले जाए, क्योंकि अच्छा वो डीप डिजायर भी फुलफिल करता है ना साउथ वेस्ट एरिया, तो इसीलिए उसको अपने कमी कमी मतलब एनर्जाइज करते हैं। और ज्यादा फिर ज्यादा देखिए, एक्चुअली में अब चलिए पितरू हैं, अपने समझ रहे हैं कि पितर लोक में है या कहीं से अपने को हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जब मेन पॉइंट में मैं टच करना चाह रही थी कल, जो मुझे स्वामी जी से भी मिला, कि पितरू अपने अंदर ही हैं सारे, क्योंकि वी आर मेड ऑफ आर एंसेस्टर्स, तो हर एक पितरू का एक एक कोई ना इमोशनल इनहेरिटेंस, फिजिकल इनहेरिटेंस, कुछ ना कुछ अपने में आया हुआ रहता है। तो बाई चांस कोई ट्रॉमा है और वो अपने उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे समझो 3 जनरेशन पहले किसी को कुछ ट्रॉमा हुआ रहे और वो उन्होंने उसको क्लोजर नहीं किया, मतलब क्लोजर यानी कि उसको मतलब खत्म नहीं किया, तो वो पास ऑन होता रहता है। कई बार जेनेटिकली भी पास ऑन होता है और कई बार सबकॉन्शियसली भी पास ऑन होता है। तो अपने फिर वो अगर वो शांत है, तो अपने अननेसेसरी डेली करके उसको अशांत, मतलब उसको ट्रिगर कर रहे हैं बेसिकली ना एवरी डे। तो इसीलिए पितरू को अपने अमावस में ही बस इनफ है, बाकी तो देवता को ही जगाना है ना मेन, तो अपने ईष्ट को जगाना है मेन तो। आजकल क्या है, पितरों के बारे में बहुत हाइप हो गया है, जहां कहीं भी बोले तो आपको पितरों की प्रॉब्लम है ऐसा ही बताते हैं, कहीं भी कुछ इसीलिए तो मतलब मैं इसीलिए वही पॉइंट लेना चाह रही हूँ मेरे बुक्स के थ्रू, कि वास्तु में, वास्तु समझो आपने 10% किया, थोड़ा ज्योतिष किया, थोड़ा आयुर्वेद किया, एक्सरसाइज की, पैटर्न्स चेंज किए, तो ये एक पूरा आप पूरा सिस्टम अपनाएंगे ना, तब जाके ना एक अपना एक ब्लॉकेजेस खुलेंगे। जैसे मैंने 4th बुक में है ना वो बताया था ना ग्रंथीज,
पितरों से क्या होता है, इमोशनल ग्रंथि यानी विष्णु ग्रंथि खुलती है, अच्छा तो मतलब डेली का तो चांस ही नहीं है, और साल में भी कर लिया तो इनफ है। अच्छा आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। आपकी किताब पढ़ा मैंने अभी, वास्तु रेमेडीज की, जी जी और जी सीरियसली पढ़ा एकदम, अच्छा थैंक यू सर। और पूरा उसमें मैंने, मुझे लगा कि इसको सीरियसली पढ़ना है तो नोट डाउन करना चाहिए, तो उसमें अधिकांश चीजें मैंने राइटिंग में लिखी हुई है ताकि थोड़ा उसको आत्मसात, थोड़ा अंदर में डीप में चले जाए ऐसा, और बहुत अच्छी किताब है, मतलब थैंक ये यू। किताब ऐसी है कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली वो किताब का नाम ही डू इट योरसेल्फ है ना, तो हाँ, इसीलिए वो। बहुत और अच्छी अच्छी थैंक किताब यू है और किसी के भी उपयोग में आ सकती है ये। थैंक यू। और आप दूसरा भी दूसरा जरूर मैंने आप पढ़िएगा बुक हाँ दूसरा मैंने आपकी किताब में देखा, अभी सुनील जी से भी अभी बात किया हम लोगों ने, तो को। ज्यादा तोड़फोड़ या बाकी लोग जैसे बताते हैं कि कुछ पट्टियां लगा दो या इसको ये नहीं चलेगा इसको चेंज कर दो, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपके इसमें नहीं है। मैं थोड़ा सा ना स्वामी जी की डिवोटी हूं, तो मैं थोड़ा सा खुद के माइंड को, मैं ज्यादा कि भाई अपने सब माइंड से मानसिक हो जाए, मैं उसको ज्यादा प्रमोट करती हूँ। और वैदिक वास्तु में तोड़ने का सिस्टम तो है ही नहीं, नहीं तो स्वामी जी भी वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं, मैं भी उनके पीछे उन्हीं का ही सिस्टम फॉलो करती हूँ, तो इसीलिए तोड़फोड़ है ही नहीं। तोड़फोड़ ये मुझे अपने दिमाग में है और कहीं नहीं है। बरोबर, तो इसमें अपने को ये जो बाकी लोग बताते हैं कि कुछ ये चेंजेस करो, ये पट्टी लगाओ, ये स्ट्रिप लगाओ, या कुछ टाइल्स बदलाओ, ये सब करने के बदले में आप जैसा बताते हैं स्क्रिप्चर के हिसाब से, वास्तु हवन या इस प्रकार का, ये ज्यादा बेटर है। आपने आप स्क्रिप्चर्स में जो अपने को मैं बताया है तो वो जो बत मैंने तो जो स्क्रिप्चर में लिखा है वही बताया है, क्योंकि मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं ना, मेरा मेरे को कुछ नहीं नॉलेज है, सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जो स्क्रिप्चर में लिखा है मैंने आपको पास ऑन कर दिया, और स्क्रिप्चर भी आपके ही है और नॉलेज भी आपका ही है, तो आपका आपको अर्पण है। जी ठीक है, धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू। जी कौन रेज हैंड करेगा, तो आई थिंक ओम नमः शिवाय ओम मैम। नमः शिवाय। मैं बोल रही थी कि जो हमारे पितृ हो जाते, मतलब 3 महीना पहला हुए है या 3 साल पहले हुआ है कुछ, है ना, जी तो उनके हम लोग फोटोज घर पे नहीं लगाने हैं हमको, मतलब कब्बड़ में रखना है कि घर पे दीवार पे लगा सकते हैं। देखिए समरांगन सूत्रधार तो क्लियरली कहता है कि अपने को नहीं लगाने हैं एंसेस्टर्स के फोटो, क्योंकि देखिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो अपने तो एक आत्मा है, शरीर तो हाँ अपने हाँ ही छोड़ के जा रहे हैं, तो बिल्कुल अब वो पितर अपने चले गए, शरीर तो हाँ उन्होंने ही त्याग दिया, हाँ और करेक्ट वो पिछले जन्म में कुछ और दिखते थे, अब आगे कुछ और दिखेंगे, हाँ तो वो यस फोटो का तो कोई सेंस है नहीं ना। और इनफैक्ट इमोशंस इमोशंस जो है जुड़े इमोशन, हुए होते हैं। हाँ हाँ वो उसके लिए ही अपने एक ना लोटस रखते हैं, जैसे वास्तु में ना लोटस रखने को हाँ मिला हाँ है, ओके ताकि उसमें जैसे जैसे आप देखेंगे ना सब देवी देवताओं के साथ भी लोटस है, अच्छा क्योंकि वो एक प्रमाण है। सारे जो अपने क्राउन चक्रा में जो यस यस चक्राज हाँ छोटे माइन्यूट चक्राज हैं वो सब हाँ खुलने हाँ के, तो सहस्र नाम हो गया ना, तो वैसे ही अपने मतलब थाउजेंड्स ऑफ पितरूस जो पीछे जितने भी हुए हैं उनको याद करते हुए लोटस रखते हैं, मतलब दैट इज द होल आइडिया। वास्तु में लोटस रखने को बोला है कि आप लोटस रख के सारे पितरों को याद करो, ना हाँ कि जनरेशन और टू कॉपर जनरेशन। में रखते हैं वो लोटस। कॉपर में रख सकते हैं हाँ, आप उसको फोटो में बना के रख सकते हैं, ऐसे पेंटिंग बना के रख सकते हैं, करेक्ट इनफैक्ट एक बोल में पानी डाल के रख सकते हैं, मतलब इट्स अप टू योर क्रिएशन हाउ यू आर कनेक्टेड, यू नो हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट टू योर एंसेस्टर्स। और अच्छा, क्योंकि तो वो जो अल्टीमेटली फोटोज है। हाँ यस यस सॉरी बोलिए बोलिए आप। देखिए अल्टीमेटली आपको अपने अंदर जो एंसेस्टर्स का डीएनए है पर्टिकुलर, जिसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी उनको, उसका क्लियरेंस करने के लिए पितृ हो का ये मतलब अच्छा पितृपक्ष होता है, तो हाँ, तो जब क्लियरेंस हो गई तो यू हैव टू लेट देम गो, ताकि वो क्लियरेंस कैसे होगी, मतलब मालूम कैसे पड़ेगा।
मालूम तो आपको खुद को है ना, जैसे कई बार जब ग्रंथि, ये तो मेन ग्रंथि खुलने का सिस्टम है, जब जैसे इमोशनल ग्रंथि होती है ना, जो विष्णु ग्रंथि मैंने मेरे बुक में मेंशन किया है, वो जैसे जैसे खुलेगी वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है, यू आर बिकमिंग मोर काइंड, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, क्या आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस मिल रही है, अगर आपको घर चाहिए तो यू विल सी दिस अच्छा, मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो मतलब अपना ट्रॉमा कोई नहीं है हमारे एंसेस्टर, हमारे डीएनए एग्जैक्टली दैट में. इज हाउ यू गेट टू नो ना, कि क्योंकि क्योंकि ये जब, मेरे लाइफ में हो रहा है ऐसा, कोई अच्छा वेरी कभी नाइस, मेरे को ऐसा लगे कोई ट्रॉमा नहीं है मेरे में, और मेरा एक्चुअल नेचर भी नहीं है किसी से पंगा लेना, ये वरना वो नेचर नहीं है मेरा. मेरे को हाँ ऐसे जैसे आप बोल रहे ना. हो कनेक्ट हो रहा है, मतलब आपने कितनी मेरी बुक्स पढ़ी है आज? ऑलमोस्ट नहीं, सिक्स मैंने और आपकी बुक्स नहीं, सेवन. मैंने आपकी फर्स्ट टाइम सेशन देखा है, वो भी मैंने क्यों देखा, पितृ तर्पण देखा, तो मुझे लगा आप कराने वाले हो क्या पितृ तर्पण, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया है ये. जी, सर ये बुक में मेरे सारे ऑलमोस्ट सब इन्फॉर्मेशन है, तो अच्छा, तो आप डेफिनेटली बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. और आप मतलब बस सेशन में आप नहीं तो कराओगे मुझे ना? सेशन सेशंस में तो आते रहेंगे ना, सेशन तो होते रहेंगे, अच्छा, जैसे आज नंदा था, अभी 1 महीने बाद जया है, फिर भद्रा है. वो क्या होता है मीन्स. मतलब ये मेरे कोर्सेज हैं, मैं इनसे हाँ, आपके घर में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाना है वो सिखाती हूँ. ओके, ऐसा नहीं, वैसे राइस लेके ये पितृ तर्पण जैसे करते हैं, एंसेस्टर्स को याद करके, वो वो तो तो कल नहीं है ना? किया था ना, कल किया कल था. किया कोई था, सॉरी मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने बात अभी नहीं, हम फर्स्ट लोग टाइम. इसमें ना रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो अच्छा, कल हाँ, कल रिकॉर्डिंग आ जाएगा, अच्छा, हम तो खुद कर लेंगे. हाँ उसमें फिर आप देखे. अभी 2 तारीख को अमावस्या है ना, हाँ महालया, हाँ उसमें आप कर लीजिए. अच्छा, और मतलब जो फोटोज आपने बोला वो कबर्ड में अभी हमने बनाए तो है जो भी कबर्ड मेरे. हाँ, तो क्यों रख रहे हैं ना, सोचो मैं आपको कबर्ड में बंद कर दूं तो कैसा लगेगा आपको? बोल रहे हैं बाहर भी नहीं रखने का, अभी फोटोज बनाए हैं तो हम लोग कहाँ रखे, वो बताओ ना. बनाते तो है ना, कोई भी जाता है तो. हाँ पर वो वास्तु से, तो मैं तो वास्तु का बता रही हूँ कि वास्तु में नहीं रखना चाहिए, तो फिर क्योंकि क्या जो करें आप मैं फोटोज का, वो वो बताओ. क्या करें वही ना, हमारे लिए अब तो क्वेश्चन हो गया ना, आपके वास्तु के हिसाब से नहीं रखना है, लेकिन हमारे जो इमोशन है वो भी आपने समझ गए, फ्लावर के हिसाब से रखना है. अभी फोटोज बनाए वो क्या करे, बनाते तो है कोई उनको जाता विसर्जन है तो. कर दीजिए. नहीं ना, अभी 3 महीना पहले हुआ है तो किसी को कैसे बोल सकते हैं हम लोग विसर्जन कर दो. अच्छा ठीक है, तो लगा लीजिए, थोड़े दिन लगा लीजिए, 3 साल आपको अच्छा लगता है, इट्स अप टू यू ना कि वाला आपको भी कैसा अच्छा. अभी तक नहीं किया, मतलब हमको मन नहीं हो रहा है जाने का, मतलब भेजने का, तो ये 3 महीने वाला भी केस कैसे करेंगे हम. हाँ नहीं ठीक है ना, 3 महीने हम लोग तो फंस लगा जाते हैं ना. लीजिए. नो यू हैव टू लेट देम गो. वो तो है, वो तो इसमें तर्पण में ऐसा ही होता है ना. वही, फिर भी अपने फोटो तो हाँ रखना ही है ना. हाँ वही वही तर्पण, लेकिन तर्पण करने के टाइम भी बोलते हैं ना, आप पिक्स रख सकते हो उनके, अगर मोबाइल में भी फोटोज है तो आप रख सकते हो, तो उनके लिए चाहिए रहता है ना फोटोज. तर्पण में रख सकते हैं, बट अच्छा, एक्चुअली में वो कन्वीनियंस के लिए है, बट आज 3 जनरेशन पहले के तो किसको पता है ना, और सिर्फ पहले जनरेशन को क्यों तर्पण करना है ना, जितने अच्छा भी जो पहले गए एंसेस्टर्स हैं हो. सबको करना होता है. हाँ, मतलब होता है ना किसी का अपना है फोटो, तो उसको तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसा होता है ना. वैसे अब हमारे मन में तो रहते हैं उनके पिक्स, मतलब 40 साल हो जाए उनको भी, फिर भी हमारे मन में तो उनके इमोशन फेसेस तो रहते हैं ना हमारे में. हाँ तो मन में रखे अब रखना वास्तु में बोला है, बट पिक्चर्स जैसा कम प्रेफर करते हैं. तो ये पितरों हम लोग एवरी मंथ, अगर आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है तो एवरी मंथ कर सकते हैं हम लोग. हाँ, डेफिनेटली थैंक यू, थैंक अमाउंट्स यू. अभी तो रिकॉर्डिंग, थैंक ठीक है. यू, थैंक यू ओम नमः जी, शिवाय. ओम नमः शिवाय. आप लोग कोई रेज हैंड करेंगे तब मैं. डियर पार्टिसिपेंट्स, आप जितने भी लोग ग्रुप में हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए प्लीज, तो मैम को पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन है, और फिर बारी बारी से आपको अनम्यूट करके यू कैन स्पीक देयर. सबको प्लीज अनम्यूट रेज योर कर हैंड. दीजिए ना सुनील जी. ये एवरीबडी इज अनम्यूट, दे कैन मेक देमसेल्फ अनम्यूट. दे हैव रेज द हैंड. वंडरफुल रंजीता जी. जी नमः शिवाय या मैम. ओम नमः शिवाय. आप कहाँ हैं?
शिवाय, नमः शिवाय, नमः हाँ नमस्ते नमस्ते। शिवाय मैम। ये उस दिन तो एक्चुअली मैं ऑफिस में थी, अटेंड नहीं कर पाई, आपको मैंने भी मैसेज की थी। मतलब बहुत सैड फील हुआ कि मैंने कितने मुश्किल से रजिस्टर की थी, नहीं कर पाई। अरे कोई नहीं, तो कल रिकॉर्डिंग आ रही है ना, आप लोग कल रिकॉर्डिंग का फायदा उठाइए ना। जी जी मैम। और एक बात थी, जी मतलब जैसे कि पितृदोष लगता है ना, तो जैसे काम सब अधूरा रह जाता है, इतना तो नॉलेज नहीं है, जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो सारे काम में अटकता है। जैसे बहुत सारा है, मतलब मैं थोड़ा आपसे ऐसे बात करने चाहती हूँ पर्सनली, जैसे वास्तु के बारे में आप बता रहे थे, वो तो नहीं कर पाई, टाइम एक्चुअली नहीं मिला ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, क्योंकि ड्यूटी होता है फिर उसके बाद और दूसरा भी काम हो जाता है। मैं थोड़ा आपसे कैसे बात करूँ? सुनील जी से बात कर लीजिए, जो मेरे सुनील जी है ना कोऑर्डिनेटर, जी उनसे आप बात कर लीजिए, वो अरेंज करेंगे, है ना। हाँ, दूसरा कुछ इश्यूज है जी मतलब। जी जी अभी कुछ पितृ से रिलेटेड है तो पूछिए आप। ये पितरु से भी रिलेटेड अभी तो मैं पूछ लेती हूँ, जी बाकी पितरु से रिलेटेड बहुत सारा काम अटका है मेरे, मतलब बहुत कुछ आपका प्रॉब्लम काम है। देखिए बहुत सिंपल है, आप एक वास्तु रेमेडीज मेरी किताब है उसको मंगाइए अमेजन जी से और उसको पढ़िए संकल्प लेके, तो आपका आपको लेटेस्ट ऐसे लग रहा है ना कि अभी मेरा ये काम अटक रहा है, उसका संकल्प लेके किताब को पढ़ लीजिए, आपको श्री हरि जो आपके लिए बेस्ट होंगे वही करेंगे और बाकी भगवान। मैम, जैसे कि तबीयत बहुत खराब रहता है, तबीयत जैसे कि कुछ और कुछ इश्यूज है नहीं उसको रिगार्डिंग। वही, वो एक्चुअली वो मेंटल लेवल अपना जितना कैपेसिटी लो होता है ना उससे अपने प्रॉब्लम्स रहती है, तो जितना जितना अपने जो वास्तु की किताबें पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि वास्तु एक गृहस्थ आश्रम के लिए लिखे गए हैं ताकि लोग सुखी रहें, तो जी सुख के लिए अपने किताब पढ़ते हैं तो अपना माइंड का लेवल राइज होता है, तो जी अपने मैम, जो नीचे की प्रॉब्लम है उससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, तो जी इसीलिए जी आई वुड सजेस्ट कि आप बुक मंगवाइए और उसका लाभ लीजिए। और मैम जैसे ना हमारे घर में, मेरे अकेले नहीं है, मेरे जितने भी भाई बहन है सबका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रह जाता है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे मेरे को लो बैकअप होता था, किसी को सर्वाइकल पेन होता है, और किसी को ऐसे मतलब न्यूरोलॉजिकल ही रिलेटेड ही होता है वो मतलब। पितृदोष होगा, तो एक बार आप पितृदोष की पूजा करिए जो कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जी फिर और हर अमावस को करिए, फिर आपको 2-3 महीने में जो श्री हरि बेस्ट समझेंगे ना, वो बहुत मन से करना होता है, फेथ से ना, जी जी मैम बिल्कुल है ना, तो आप जी, कल। इतना कष्ट जब हो रहे तो वो तो कोई भी आएगा वो तो बाधा भी उसको भी दूर करना चाहिए, वो चला जाएगा ऐसे, मतलब जो हाँ कुछ भी होना चाहिए वो कर लेंगे मैम। है ना, हाँ मतलब हर पितृ अमावस्या आप को टाइमिंग मैम, सुबह या शाम को ऐसे कुछ जैसा आपको अच्छा लगे। कंफर्टेबल? हाँ कंफर्टेबल, हाँ ओके हाँ मैम। और मैम जैसे कि कुछ बातें ऐसे हैं कि कुछ करने से वो लोग रुष्ट हो जाते हैं, और कुछ मतलब उनके हिसाब से करने से वो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मतलब ऐसे कुछ है कि अपने वो। पितर हैं वो कोई रुष्ट नहीं होते, वो तो अच्छा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, आप जी, अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचोगे, कभी थोड़ी रुष्ट होगे। जैसे मैडम मैं बोलती हूँ कि मेरे एक ही छोटा सा एग्जाम्पल है, न्यूरोलॉजिकल तो प्रॉब्लम तो है ही है, प्रेगनेंसी एक मतलब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा था, एक ही बेबी था, उसके बाद सारा की सारा मतलब मिसकैरेज, एक आईयूडी ऐसे हुआ है, 5 केसेस हुआ है ऑलरेडी। नहीं तो डेफिनेटली मैम आप है ना एक बार पितृपक्ष कीजिए एंड देन विल सी, है ना, नेक्स्ट जब भी आप, जी क्योंकि ये जो कोर्सेज में हम यही सिखाते हैं कि जी ना मैम कैसे बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं करूँगी। आगे। हाँ जी मैम हाँ करूँगी, कुछ फिर होगा तो उसमें से फिर मैं आपको फिर। क्योंकि टाइम बाउंड है ना, तो इतने में जी बात नहीं कर पाऊंगी ना जी अभी, मैम मैं बाउंड शाम को कर है ना, लूँगी, कोई है प्रॉब्लम नहीं, कर ना, आप लूँगी। पूजा करिएगा इस बार। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर प्रियंका, प्लीज अनम्यूट मैम, योरसेल्फ। एक बात आपसे पूछना था, ईशान्य कोण में अगर टॉयलेट रहता है तो क्या रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं? उसको कॉपर वायर लगा दीजिए उसके एंट्रेंस पे, पर ये पितृ रिलेटेड नहीं, आज हम सिर्फ पितृ रिलेटेड ही इश्यूज ले रहे हैं एक्चुअली।
अच्छा नहीं मैम, अभी इवनिंग का जो सेशन हुआ ना, वाला। अच्छा हाँ, तो उस हाँ, टाइम उसमें उसका वो कुछ हम जो उसका सारा जो रेमेडीज हम जया जया जो हमारा नेक्स्ट हो रहा है ना उसमें, क्योंकि मतलब सिर्फ टॉयलेट नहीं देख सकते, और भी चीजें देखनी पड़ती है। तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आपको बोलें कि आप काट दो, फिर पर वो उधर बैलेंस नहीं हुआ साउथ वेस्ट से, तो ना ऐसे आधा अधूरा काम हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब सुनील जी जया लेंगे तो वी विल कवर दैट इन जया। अच्छा ठीक है और मैम, अभी थैंक यू। इमीडिएटली में आपको कुछ समझना है तो कॉपर लगा सकते हैं, कॉपर वायर लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ओके ओके मैम, थैंक है ना। हाँ यू मैम। थैंक यू। सो डॉक्टर प्रियंका, वेन्सडे इज ऑलरेडी डन। एनीबॉडी हु वुड लाइक टू रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन टू जयश्री मैम? डॉक्टर निखिल निखिल जी, ओके जी, या निखिल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपकी किताबें पढ़ रहा हूं मैं भी, जी 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 और काफी अच्छे से लिखी है आपने। थैंक यू सो और मच। पहले मेरे को लगा था कि बेसिक वास्तु कोर्स नंदा का करूं या नहीं करूं, तो सुनील जी से मैंने बात की, तो जी सुनील जी ने इंसिस्ट किया कि आप कीजिए तो बेटर रहेगा। तो करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अच्छा किया कि मैंने किया है। कि ओके आपने बहुत सारी चीजें ये कोर्स में कि वास्तु प्रैक्टिस करने के लिए एक वास्तु प्रैक्टिशनर को कैसे तैयार होना चाहिए वो काफी सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, तो काफी अच्छा रहा। मेरा मोटिव क्या है, मैं चाहती हूँ हर घर में एक वास्तु कंसल्टेंट हो, ताकि ना जो इतने सारे डर मिथ्स फैले हुए हैं, ये ब्रेक डाउन करना है। और सबसे ज्यादा आता है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए, और जी पता नहीं कोई मार्केट में फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट में होने से कैंसर होता है। मैंने कहा एक टॉयलेट से अपनी किस्मत थोड़ी जुड़ी हुई रहती है, तो वो जी वैसा होता नहीं है एक्चुअली, इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो। और नॉर्थ ईस्ट तो ऐसे भी पानी का जोन है, तो वहाँ कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो वो सब मिथ्स है, तो ये मिथ ब्रेक करने के हिसाब से किताबें लिखे हैं। और सुनील जी तो एक्स्ट्रा जा जा के ना लोगों को पढ़ा रहे हैं कि मतलब मिथ से बाहर आओ। तो मतलब हैंड्स ऑफ टू सुनील जी, मतलब वो मेरी डांट तो खाते काफी अच्छा, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब तो आई एम लाइक यू नो वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल टीम। या तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा निखिल जी? क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। ओके जैसे गुड। पितृपक्ष के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीखता हूँ। तो जी जी हमारे गुरु जी बोलते हैं कि हर अमावस को उनके नाम से थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए, अनाज का। अनाज का डोनेशन देते हैं तो वो आपका ऋण उतरते रहता है ऋण हर अमावस उतरता है। को। हाँ, तो जिनको भी जैसे तकलीफ होती रहती है बहुत सारी, तो उसमें अमावस, संक्रांत और पूनम, ये तीन तिथियों को दान बताया है। अमावस्या, पूनम, पूनम और संक्रांत, अच्छा। मतलब सूर्य का हर महीने पोजीशन चेंज होता है, हर महीने अलग अलग राशियों में जाता है, जी जी तो जी वो दान करने से काफी सारी तकलीफें दूर होती हैं। नहीं डेफिनेटली, हमने भी कल उसमें लिखा था ना भाई ना डोनेशन और डोनेशन अनुदान। तो हाँ अभी किस एक मेरे कैंसर पेशेंट हैं, उनका जैसे कि क्या करें, तो मैं जो उनका वेट है ना, जैसे शी इज अबाउट 60 kgs, तो 60 kg हमने अन्नदान करवाया उनको हाथ लगवा के। तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि जितना वेट हो ना उतना जाए, तो वो तुलादान, तुलादान तुलादान, तो वो अच्छा। वो शनि में भी करवाते हैं, तो अलग अलग है, तो वही है। तो है दान का, तो देखो अपने सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है जी जी आगे के कोर्सेज में करना चाहूंगा, तो आई जी विल गेट हाँ आप सुनील इन जी टच से विद काम कर रही हूँ, वही है कोर्सेज के कर्ता धर्ता सुनील जी है। यू। थैंक यू।
थैंक यू सो थैंक यू मच, निखिल जी. थैंक यू. एनीबडी वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, स्नेहा जी, स्नेहा जी अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर. बहुत इवनिंग. अच्छा सेशन रहा नंदा का, उसने बहुत औसम पढ़ाया. जो मतलब हम लोग सच में वो डायरेक्शन में फंसे रह गए कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए. मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली, मर्म पॉइंट्स एंड ऑल. एम आई ऑडिबल? मेरा नेटवर्क इशू है शायद. नहीं नहीं नहीं, यू ऑडिबल, आर ऑडिबल. यू आर ऑडिबल मैम. ओके ओके. हाँ, और मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे ससुर जी mid-40s में चले गए थे, 45 की पहली, 42 या 43 के एज में ही चले गए थे. तो अभी हम लोग उनके, जैसे वो अनंत चतुर्दशी के दिन गए थे, तो चतुर्दशी जो आती है पितृ अमावस्या में, अभी जो आएगा आई थिंक 1 अक्टूबर को आ रहा है, तो उस दिन उनका, उनके नाम से खीर पूरी बनाया जाता है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है. और जो उनके परिवार की जो बहन बेटियां हैं, जो जो मेरे ननद वगैरह हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, खीर पूरी एंड ऑल. तो इज इट गुड? और जो हमने कल पूजा किया था वो तो हमने किया ही था, तो ये ऐसा हर साल भी करना चाहिए ना उनके नाम से? डेफिनेटली डेफिनेटली करना चाहिए. और क्या होता है ना, कई बार जैसे थोड़े जो एज है उससे पहले चले जाते हैं ना, तो उनका एक ट्रॉमा फैमिली में रह जाता है, स्पेशली वाइफ के लिए और फिर बच्चे आगे, तो वो करते रहे ना तो एक मन हल्का होता रहता है. तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस इनफैक्ट. ओके. आई हैव सीन द इफेक्ट ऑन माय हस्बैंड. मतलब आई हैव नेवर सीन माय ससुर जी, बट पीपल से इन माय फैमिली मेंबर्स कि माय मेरे हस्बैंड पर बहुत इफेक्ट हुआ है उसका. उसके बाद में वो बहुत साइलेंट हो गए, जो मस्ती वाले थे वो पूरा साइलेंट नेचर एंड सब कुछ उनका चेंज हो गया, ही टोटली अपोजिट. तो आफ्टर गेटिंग मैरिड टू मी लिटिल बिट चेंजेस, बट नॉट सो मच. तो इसके लिए अलावा और कुछ नहीं करना है ना, जो हमने कल पूजा किया एंड दैट्स इट, हम हर ईयर जो नहीं करें. नहीं मैं तो सजेस्ट करूंगी कि थेरेपी के लिए जाए. ओके. मतलब जैसे एक तो साइकेट्रिस्ट हो गए, वो तो मेडिसिन हीलिंग. देते हैं, वो नहीं, एक फिजियोथेरेपी जैसे ना, हीलिंग नहीं, हीलिंग नहीं होगा. साइकेट्रिस्ट के बाद साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट, होता है, साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट होता है. तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपी ले, तो क्या होगा, कई इमेजेस उनकी अपने फादर की होंगी, उसको वो इमेजेस को जितना लाइट करेंगे ना, तो जो उनका ट्रू नेचर है वो बाहर आएगा. या इंडिया ओके. में एक ऐसा भय है कि मतलब कौन थेरेपी में कौन जाएगा, मतलब, बट इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी वेरी, अगर अपने को अपना लेवल रेज करना है ना, तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रॉमा कि आप सक्सेस भी नहीं हो, आपको पता नहीं क्या अटक रहा है क्या नहीं अटक रहा. तो उनसे बातें करते हैं ना, तो एक मन से बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं वो निकल जाते हैं. तो थेरेपी आई वुड सजेस्ट आपके हस्बैंड के लिए ना, तो ओके. जस्ट जस्ट लुक इन टू इट, ट्राई करिए कोई अच्छा डॉक्टर के पास. मतलब ऐसे हीलर्स और ये सब नहीं, सूडो हीलर्स ये सब नहीं, प्रॉपर जो मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में और रहते हैं ना, वैसे जो ट्रेन्ड होते हैं प्रॉपरली. मैडम मैं बोलूँ, वो काउंसलर होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, वो लोग हाँ, काउंसलिंग भी है. साइकोलॉजिकल काउंसलर. जी मैम, वो हाँ. हाँ, वो साइको मतलब साइकेट्रिस्ट जो है ना, वो लोग सजेस्ट करते, उन्हीं के पास ही वो लोग बैठे, सारा हॉस्पिटल में है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में. हाँ, तो एक बार ऐसा कुछ फैमिली में हो ना, तो डेफिनेटली एक बार जाना चाहिए. ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रंजीता जी, थैंक यू. मैं आपको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि मेरे को बहुत सारा मतलब हेल्प होने वाली है. अरे नहीं, एक्चुअली मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, इसीलिए मैं बोली आपको कि ये सारा इतना सा प्रॉब्लम हो रहा है. मतलब कितना सारा ट्रीटमेंट मैंने मैम करवाई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाई. उसके बाद ही मैं कुछ कुछ जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में ज्वाइन कर रही हूँ, मतलब आ रहा है कुछ कुछ, जैसे कि शिव योग में हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ, रेकी भी, बहुत कुछ किए हैं, इसी वजह से कर रही हूँ सारा. ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी भी उसी में हाँ, हूँ. सब कुछ थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ को हेल्प. जी मैम. डेफिनेटली धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी होती हाँ, है. वो तो कर्म तो मेरे को मैम काटना है, जैसे भी करके, जो भी कर्म है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि कुछ कुछ, जैसे कि क्या बोलते, एस्ट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाँ पितृदोष कुछ है, अभी भी पितृपक्ष चल रहा है, तो
उसके लिए हीलिंग का भी वर्ड प्रोसेस गलत है। है, पितृ दोष नहीं है, एक पितृ पक्ष तर्पण है। मतलब वो दोष कैसे, मतलब अपने एंसेस्टर्स अपने लिए कैसे दोष हो सकते हैं ना, तो वो टर्म सही नहीं है। इट्स पितृ जी तर्पण जी बेसिकली। मैम, वो लोग ऐसे बताए कि पितृदोष लगा है कि तुम लोग का कुछ जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट, मतलब बैड इफेक्ट आ रहे हैं। वो ऐसे बोले कि उसको काटने के लिए हम लोग तर्पण श्राद्ध मतलब नहीं करा रहे। जो लोग कुछ साल से वो लोग ऐसे ही है, उनको कोई मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे, इस टाइप का मेरे को बोले कोई। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। जी मैम, थैंक जी थैंक यू। यू। जी कल रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी रिजल्ट में। जी 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 ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। सर अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो मैम से एक रिक्वेस्ट है कि आज वास्तु के उसमें बोला था कि मैम के साथ यू नो वी कैन हैव क्यू एंड ए फॉर वास्तु, बट आई वोंट गो इनटू क्यू एंड ए बिकॉज़ यू क्लियर्ड मेनी ऑफ आवर डाउट्स। सो मैम इफ यू कैन जस्ट स्पीक ऑन एनी ऑफ योर टॉपिक ऑफ योर लाइकिंग ऑन वास्तु एंड शेयर सम इनसाइट ऑन दैट और मे बी इवन ओम स्वामी, तो वील बी ग्लैड टू हियर ऑन दैट इफ नोबडी हैज एनी फर्दर क्वेश्चंस। विष्णु जी हैज, मे बी आई टेक इट अप आफ्टर दैट मलिक जी। या ओके विष्णु जी यू कैन अनम्यूट प्लीज। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ विष्णु जी। हर हर महादेव, प्रणाम हर हर महादेव, प्रणाम। मैम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बुक बनाई वास्तु रेमेडीज, मेरे को आज से 1.5 साल पहले पंचशीर्ष के वो जिसमें वो पांचों सिर होते हैं, पंचशीर्ष में पांचों तरह के एनिमल के, तो वो मेरे को दी गई थी आचार्य जी की तरफ से। तो आई वॉज कंफ्यूज कि ये क्या है और इसको करते कैसे हैं। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे, कितने सारे बुक्स हमने ली, फिर अचानक आपकी बुक आती है सामने, पंचशीर्ष की स्थापना कैसे करें, और वो सारा मेरे घर में हुआ पंचशीर्ष की स्थापना। एक माइंड में चीजें होती हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, पर एक चीज देखिए है कि जब हम उन चीजों को ढूंढने जाते हैं ना, खोजते हैं, तो वो खुद ब खुद तक भी आने को आतुर होती हैं चीजें। और वो हुआ, पंचशीर्ष की स्थापना हुई घर में, उससे पहले बहुत सी दिक्कतें आती थी, ब्रेन क्लियर नहीं हो पाता था। अगर आप कुछ साधना करने जाते हो तो वो चीज नहीं, पंचशीर्ष हुआ। उसके बाद में एक विजन मिला कि हाँ ये वाली डायरेक्शन है जो मेरे लिए सही है, उसमें जाना है। घर में कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि जैसे शादी की उम्र हो चुकी मेरे सिबलिंग्स की, बट उनका माइंड था कि वी वॉन्ट टू लिव सिंगल, कि हमने अपनी लाइफ में मम्मी पापा की लाइफ में इतना सपोर्ट था उनके डेथ होने के बाद। और सडनली आई वॉज लाइक 2-3 महीने के बाद रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, बीच में दिक्कतें आती हैं, बट चीजें मैंने ठीक होते हुए देखी हैं। और आपकी बुक में जो आपने सबसे अच्छी चीज जो दी हुई है ना, एक एक श्लोक आता है, ये भी नहीं है कि कुछ मनगढ़ंत श्लोक हो जैसा आजकल वीडियोस में बोल दिया जाता है कुछ भी, उसके साथ नीचे मेंशन आता है कि कौन सी बुक में से, कौन से ग्रंथ में से कौन सा श्लोक है। थैंक यू सो मच, मैं बस आपका आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू जिस सो चीज में मच। लगे हो, शिष्य से ना गुरु का मालूम पड़ता है कि गुरु कैसा होगा। ओम स्वामी जी के वीडियोस तो देखते हैं हम सब, पर एक गुरु का प्रभाव, जैसे गुरु गीता में बताया गया है ना कि शिष्य के चरित्र से, शिष्य जब वो दुनिया में उतरता है, वो जैसे लोगों की सर्विस करता है, उससे मालूम पड़ता है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है ना अपने शिष्य को, वो सिर्फ कान से, सिर्फ माला के मनकों तक नहीं है, वो अंदर तक उतरा है। लोग अपने ज्ञान को बांटना नहीं चाहते, पर आपने जैसे ना, जैसे भगवती शारदा ने अपने सारे शास्त्र खोल के रख दिए हो, आपकी किताब जब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यार कुछ छिपाया ही नहीं गया, जबकि हर कोई कुछ ना कुछ कमाना चाहता है। कमाना कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ एक्चुअली शास्त्रोक्त चीज मिल रही है। मेरे कजन्स जो नहीं मानते थे वास्तु में, इन चीजों में नहीं मानते थे, मैं उनको कहता हूँ भाई एक बार पढ़ के देखो, शक करो इनकी बुक पे, मैं कहता हूँ, और उसके बाद जाओ विश्वकर्मा प्रकाश लेके आओ, मिला के देखो कि इन्होंने झूठ तो नहीं लिखा हुआ, ये श्लोक ऐसा ही है ना या कुछ और डाला हुआ। वो चीजें और रैली करती हैं इन चीजों। थैंक यू सो मच।
बहुत थैंक छोटा यू। हूँ आपसे, पर अरे नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मन से नहीं। बस एक ही चीज है कि भगवती करें आप इस चीज को बहुत आगे लेके जाओ, और जो आपका सपना है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये चीजें मिलें, ऑथराइज हों सारी चीजें, और वो होंगी। आपकी जो एक इनर इंस्टिंक्ट है ना, वो बहुत क्लियर है कि आपको इस विद्या को आगे लेके जाना है। ये कोई वास्तु, कोई विद्या नहीं, ये आप देवताओं को ही तृप्त कर रहे हो ना। अब जब उनके आपके थ्रू जब देवता तृप्त हो रहे हैं आपकी पुस्तकों के थ्रू, तो वो आगे जाके विश्व का कितना कल्याण करेंगे। वो देवता जब तृप्त होंगे, लोगों की जिंदगियां सुधरेंगी। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, गूंगे के गुड़ का स्वाद है। थैंक थैंक यू सो मच। यू सो मच। ऐसा ही काम करते रहिए, हम सबके सिर पे हाथ रखे रखिए, बस यही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे रुला ही दिया आज। ये जगदम्बा ही आंखों से निकल के आती है, ओके। दिल साफ है ना तभी आंसू आ रहे हैं। थैंक स्वामी जी का तो नाम यू लेने से सो मच। मेरे को ऐसे हो जाता है बहुत ज्यादा। गुरु शिष्य में उतरता है, गुरु शिष्य में उतरता है, और शिष्य की जो कृतियां होती है ना, उनमें भी उतर के आता एक्चुअली है। ये उस मंत्र का प्रभाव है, ये उस मंत्र का प्रभाव है। नहीं, आप सच बोल रहे हो। मतलब इतना ज्ञान मुझे नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता ये स्वामी जी की लिखी हुई बुक्स हैं, क्योंकि मैं रात को सोती थी और सुबह मैं 5 बजे उठ के चैप्टर कंप्लीट, और 9 बजे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। फिर मैं बाद में देखती ना, मैंने कहा ये क्या लिखा है, ये कहाँ से आया। तो इट इज सो क्लियर दैट ये अरे बुक तो मैम, स्वामी जी ने ही लिखी है। मैं तो जो बहुत ललिता खुश हूँ, सहस्रनाम में मतलब से आता, सॉरी सॉरी आप कीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ मैं तो इतनी छोटी हूँ, मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब बुक्स मैं लिख, मतलब ट्रांसलेट भी करूँ या लिखूँ भी। ललिता सहस्रनाम में से जो आपने लिखा है ना, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति, एंड आई वाज लाइक, मैं डेली ललिता सहस्रनाम पढ़ता था। कोई उसको इतने अच्छे ढंग से उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इतने अच्छे से उसको बताया गया है। उसको पढ़ते हैं ना जैसे आप जीते हो, आप जीते हो भगवती को, वो श्रीहरि को। थैंक नहीं है वर्ड्स। थैंक यू सो मच, बस शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इज एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। विल क्लोज द सेशन। अच्छा, वो या मौलिक जी कुछ पूछ रहे थे ना। हाँ, तो हाँ मैं स्वामी जी के ही दिखाए हुए पथ पे चल रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जैसे वो उनकी अभी 17th बुक आई है श्री सूक्त पे ही, जहाँ उन्होंने माँ मॉडल बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, एंड तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि ना कि ऐसा कुछ करूँ कि स्वामी जी को, मतलब एक झलक भी उनको कभी इंटरनेट में वो देखें तो शायद मेरा मेरा नाम आ जाए कि हाँ चलो ये मेरे शिष्य की बुक है। तो ये मन में रहता है कि ना एक बस गुरु की नजर पड़ जाए। तो उसी से सोचते हुए जब ये किताब लिखा, तब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में वास्तु रेमेडी इट्सेल्फ, बुक रीड करना इट्सेल्फ इज अ वास्तु रेमेडी। क्योंकि रेमेडी क्या होती है, अपने किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, जब उससे बाहर आते हैं, उससे अपना पैर जैसे एक अपना वर्लपुल में फंस गया, तो उस वर्लपुल से निकलते हैं बाहर, तो वो वर्लपुल से अपने बाहर निकल गए। वैसे एक प्रॉब्लम में फंसते हैं और अपने उस समय अपने ने समझो अपने कोई बुक पढ़ ली, तो उस प्रॉब्लम से अपने इजीली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अपना जो माइंड में नई चीज पढ़ी है तो नया न्यूरॉन्स बना है, तो नया न्यूरॉन से और कंटिन्यूसली पढ़ा है तो सिनेप्सिस होके नया न्यूरो पाथ बनता है, जिसकी वजह से अपने को नया, मतलब एक नए रियल में जाते हैं, नया नई ओपनिंग आती है लाइफ में। तो कुछ नहीं करके भी, अपने को कुछ खर्चा नहीं करके सिर्फ किताब भी पढ़े ना, विश्वकर्मा प्रकाश ही पढ़ लें, इट्स दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रेमेडी। और उसे साउथ वेस्ट में रखें तो डीप डिजायर्स भी पूरे होते हैं, तो मनुष्य चंद्रिका में भी लिखा है साउथ वेस्ट के लिए। तो आई थिंक
लोग हिंदुस्तान में खर्चा कम करें, दान पुण्य ज्यादा करें और घर में तोड़ा ताड़ी ज्यादा कम करें वास्तु के नाम से, तो आई थिंक दैट 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 इज व्हाट इज मोर देन इनफ. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि बुक्स पढ़िए. started reading your book just by seeing your last name, like, oh, my, like, okay, this is authentic and I should go, because आजकल मेरा Instagram there are so many things out there. साथ भी यही हुआ ना, मैंने आई लॉ व्हेन आई लॉस्ट माय फैक्ट्री, तीन तीन जनों को मैंने दिखाया था, फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं अच्छा आपकी किस्मत ही ऐसी है. मैंने कहा ले फिर तो मतलब ही नहीं हुआ ना, किस्मत को ही ब्लेम करना है. तो फिर मैंने वो काल जंग वाला फ्रेज पढ़ा, मैंने कहा मतलब कोई चीज अपने उस पैटर्न से बाहर नहीं निकलते तो अपने उसको किस्मत नाम दे देते हैं. तो आई आई जस्ट कुड नॉट अग्री विद दैट. तब मेरी वास्तु की जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने कहा ऑथेंटिक कहाँ है ये विद्या. तो वही आपने बोला कि ना कि कोई चीज ढूंढने जाते हैं तो मिल जाती है, वो विष्णु जी बता रहे थे ना, तो वो होता है क्योंकि अपने ब्रेन में एक आरएनए करके हार्मोन है वो रिलीज होता है. जब वो उसका काम ही यही है कि जो अपने ने डिजायर किया है वो अपने को वो मिलाए. जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं लास्ट ईयर वियना गई थी तो मुझे वहाँ जो विलेज में शॉपिंग करनी थी, मैंने उसकी 10 पूरी लिस्ट बना ली, पूरे आइटम लिखे, फिर एक बार और लिखा, फिर एक बार तीन बार लिख लिया उस आइटम को. और ट्रस्ट मी मैंने 10 चीजें लिखी थी वहाँ वियना में. सुबह 8 से 8 का टाइम था, पूरी 10 की 10 चीजें शॉप में एंटर होती वो मिल जाती, उसमें एंटर हो रही वो मिल जाती. तो वही मेरे साथ, मतलब हम लोग एक सिबलिंग की और मेरे पेरेंट्स के साथ हम लोग हर साल जाते हैं, अभी भी मैं नॉर्वे स्विट्जरलैंड उन्हीं के साथ जा रही हूँ. तो इसमें हम लोग ने यही रियलाइज किया कि लिखने से वो पता नहीं एक वो जो हार्मोन रिलीज होता है उससे अपनी जो चीजें डिजायर जो भी है वो बाहर, मतलब यूनिवर्स उसको पूरा कर देती है. तो इसीलिए ना जर्नलिंग करना, नोट्स लिखना, जैसे मैंने बुक में बार बार लिखा है कि प्लीज मेक नोट्स प्लीज मेक नोट्स, तो उससे अपने प्रॉब्लम से अपने बहुत जल्दी बाहर आने का चांसेस रहता है. स्वामी जी भी यही कहते हैं, उन्होंने ब्लॉग का भी वही स्टार्ट किया था कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिखें. तो जर्नलिंग इज अ वेरी वेरी यू नो ग्रेट साइंस, तो एवरीबडी शुड डू इट. मैम अभी नेक्स्ट आपका बजरा आएगा या जया आएगा, जया है व्हाट इज द भद्रा तो जैन में आएगा, अभी जया आ रहे हैं जस्ट आफ्टर या दिवाली. आज शायद अनिर्वाण स्टेटेड के बजरा इज रेडी सो इट मे कम अर्लियर, नहीं तो नहीं 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 भद्रा तो जैन में ही है बिकॉज वो थोड़ा एक्सटेंसिव है, अभी तो जया आ रहा है, जया इज द नेक्स्ट. ये जो नाम है ना, जो ये एक्चुअली ना ये तिथियों के नाम भी हैं, प्लस ये जो शिलाएं जाती है ना नीचे, जब अपने घर की स्थापना करते हैं, विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा हुआ है, इन शिलाओं के नाम है. तो सब बुलाते हैं लेवल 1 वर्कशॉप, लेवल 2 बेसिक वर्कशॉप, वो मुझे नहीं अच्छा लगा. मैंने कहा सब सब एक एंटिटी है, सब एक एनर्जी है, तो उनका भी नाम होना चाहिए. तब मैंने मेरे कोर्सेज के नाम दिए ये, और पूर्णा तो कंप्लीट लेवल है, वो मेरे साथ ही होता है, वो जनरली उसके लिए मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही रहते हैं. पर ये तीन वाले ना बहुत इजी तरीके से सुनील जी लाने वाले हैं, ये सब सुनील जी का ही कमाल है, और सुनील जी ही आगे इनको करेंगे. तो बस आ जाएगा जया, आ ही जाएगा द आफ्टर दिवाली. जस्ट थैंक यू So, are we concluding the session, ma'am? Achha, Anju ji ओके is raising her hand. So, we will ask Anju ji to please unmute Anju ji yourself. थैंक यू सर. एक्चुअली सर वो मैं जर्नी में थी इसलिए लेट ज्वाइन कर पाई. सर मेरा मैडम से एक क्वेश्चन था कि जो पितृ तर्पण कल बताया था तो जी उसको हम लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकते हैं हाँ डेफिनेटली. इनफैक्ट पितृ ऐसे लोग सोचते हैं कि पितृ का मतलब पिता के तरफ है, वो नहीं है. पितृ मतलब एंसेस्टर्स, वो मदर के लिए ओके कि मदर के, किसी का कल क्वेश्चन था मैं उसको आंसर नहीं कर पाई, पर वो मतलब मदर की तरफ से भी होता है और फादर के तरफ से भी होता है, और उसको लेडीज भी कर लेडीज भी करना है क्योंकि आप में भी तो जीन्स है ना, मतलब इट्स इट्स ओके बेसिकली एक जेनेटिक कोड है. तो इस कोड को कहीं ना कहीं अगर उसमें ब्रेक हुआ है तो उसको उसको स्मूथ पैसेज बनाने के लिए ये पितृ तर्पण का ये साइंटिफिकली इसका ये है, मतलब जो वर्णन है
और इसलिए शास्त्र में नाम दे दिया पितृ तर्पण। और मैडम मैंने आपका कहना सही है मैडम, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस थी, घर बनाया हमने 7 साल पहले मतलब, और बिल्कुल हमारी हालत ये है कि वो 1.5 करोड़ का जो हमारा घर है वो बिकने की कगार पे है मतलब। और हमने वास्तु वालों को बुलाया, आपने जैसे बोला कि हमने भी काफी लोगों से कंसल्ट किया, कोई रिजल्ट अभी कोई बीच में आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ भी की, फिर किसी ने मेरे ब्रदर ने मुझे बुक्स गिफ्ट की मैडम अभी रिसेंटली, अच्छा तो उसने बोला कि बजाय किसी को बुलाने से अच्छा है कि मैडम की बुक्स बहुत अच्छी है उसको पढ़ के देख कुछ अभी, मैडम किया तो है। तो आपने कल वो जो साउथ वेस्ट का बताया मैडम नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने कल वो गणेश जी का बताया था मैडम साउथ वेस्ट जी में, जी 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 तो ऐसे बोलते ना कि यहाँ नहीं रखना, इस दहा मेटल का नहीं रखना, वो नहीं रखना, मैंने भी बेसिक करा मैडम कहीं कहीं से, आपकी बात सही है कि जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो अपन सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या मैडम कोई भी धातु की हो हम उसको वहां रख सकते हैं साउथ वेस्ट में छोटे से गणेश हाँ, जी? कोई भी धातु मतलब एज एन लोहा नहीं हो, एल्यूमिनियम नहीं हो, अच्छा मतलब प्लास्टिक नहीं हो, बाकी तो सारे अच्छा धातु मैम बेसिकली वो धातु क्या होता है, धातु में अच्छे धातु होते हैं ना, जैसे सोना चांदी क्रिस्टल्स हो गए, इनफैक्ट साउथ यस वेस्ट मैम में आप लेड का बना हुआ गणेश जी भी रख सकते हैं, लेड LEAD हिंदी हाँ में, यस मैम वो सीसा जिसको बोलते हैं यस मैम हाँ शीशा राइट उसको बोलते हैं, उसका भी गणेश जी रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि अच्छे आयंस रिलीज होते हैं जिससे वो एनर्जी वहां अच्छा मैच हो जाती है, अच्छा धातु रखने के लिए बोला है। ठीक है अंजू जी, लॉस्ट हर सुनील जी, वील क्लोज द तो सेशन उसे जी, वी आर नॉट एबल टू या हियर यू अंजू जी। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द यस ऑडियो मैम, यस मैम, यस सॉरी मैम। तो उसको वहां रख के आपने जैसे बताया वैसे प्रेयर करने से शायद इम्प्रूव हो मैडम और हेल्पफुल हो जाए, बुक्स में पढ़ी रही है, तो नहीं, यदि बुक्स कोई आप प्रॉब्लम संकल्प है लेके पढ़िए ना, संकल्प मैडम तो लेके क्या पढ़िए। मैं अंजू जी आपकी वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू हियर। विल कंक्लूड द सेशन या आई थिंक देयर इज अ कवरेज इश्यू। अब। यस आप सुनील जी से बात कर लीजिएगा ना बाद में फिर अंजू जी। फाइन, ओम सो पूर्ण शैल मदम वी से चैट? आप, या या ओम पूर्णमदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णावमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, प्लीज डू रिव्यू माय बुक्स, थैंक यू। थैंक मे यू, एक मैम थैंक वास्तु यू। रेमेडीज अवेलेबल ऑन अमेज़न प्लीज, सोलो बुक्स। सोलो बुक्स आएंगी आफ्टर द सेल, अभी सेल अरे चल रही है सेल तो है दो ना, वी हैव टू, या और मेरे स्टूडेंट्स को हस्बैंड कंसेशन दे दो। अच्छा मेरे हस्बैंड गए विपसना में, तो यू नो इट्स लाइक ठीक या सो आफ्टर ही कम्स बैक ही लुक इनटू इट। है, आप चले। हाँ फाइन, आई थैंक कंक्लूड। यू, या कंक्लूड, या थैंक बाय यू, ऑल, शुभम भवतु, थैंक यू। शुभरात्रि।